आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। Hi guys, welcome to my YouTube channel Beauty and Health Tips। Friends, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ना एक ऐसी जबरदस्त रेमेडी फेस पैक शेयर करने वाली हूं जो कि इतना अनोखा है और इतना जबरदस्त है, बहुत ही फायदेमंद है। और गाइज, ये वीडियो ना आप लोगों की डिमांड पर ही लाई हूं, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स की ये डिमांड थी कि मैं एक ऐसा फेस पैक आपके साथ शेयर करूं जो कि आपकी स्किन पर ना पिंकिश ग्लो लाए। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा पसंद करते हैं कि उनकी स्किन ना थोड़ी पिंकिश सी हो, तो पिंकिश स्किन बहुत ही ग्लोइंग सी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी सी रेमेडी आपके साथ शेयर कर ही दी जाए ताकि आप उसका पूरा पूरा फायदा उठा सको और अपनी स्किन को एकदम से पिंकिश बना सको। ठीक है गाइस, तो बने रहे वीडियो के एंड तक, और चैनल पर नए हैं ना तो फटाफट से भैया सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ में छोटू सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलेंगे। अगर नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब कौन सी वीडियो डाल रही हूँ गाइस, तो बेल आइकन प्रेस करना तो बनता ही है। ठीक है, और मेरा दूसरा चैनल है इंडियन वाइफ ऑन ड्यूटी, उसको भी सब्सक्राइब करके मेरे उस फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इस फेस पैक को बनाने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले ले रही हूँ एक छोटे से साइज़ का बीटरूट यानी कि चकुंदर। चकुंदर जो होता है ये हमारी स्किन को निखारता है, स्किन पर पिंकिश ग्लो लाता है, स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो गाइस, बीटरूट सीजन का भी है, आजकल इजीली मिल भी जाएगा आपको, तो आप बीटरूट को पहले पील ऑफ कीजिए और फिर इसको क्रश करके इसका जूस सेपरेट कीजिए। यानी कि आपको इस रेमेडी के लिए जूस चाहिए बीटरूट का, तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, फटाफट से इसको पील ऑफ करके ग्रेट करके इसका जूस निकाल लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसको ग्रेट कर लिया है और अब मैं इसका जूस जो हो ना स्क्वीज़ करके निकाल लेती हूँ। देखिए कितना डार्क कलर है इसका, मेरी फिंगर्स पर चढ़ भी गया इसको पील ऑफ करते करते ही, ग्रेट करते करते ही। ये देखिए, बीट रूट को हमारी स्किन के लिए मैजिकल फार्मूला माना जाता है गाइस, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर दी जाए जो कि आप घर पर इस्तेमाल में ला सकते हैं बहुत इजीली, और बनाकर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कलर आप देख सकते हो हाथों पर कितना ज़्यादा आ गया, तो कोई बात नहीं, मैं अपना हैंड वॉश करके आगे का प्रोसेस जो है कंटिन्यू करती हूं। तो ये जूस हमारे पास हो गया है सेपरेट, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये मसूर दाल का पाउडर। गाइस, ये मसूर दाल बहुत बेनिफिशियल होती है हमारी स्किन को निखारने के लिए, स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, स्किन को ब्राइटन करने के लिए। तो मसूर दाल का पाउडर बनाकर मैंने रखा हुआ है, जब भी मैंने पैक अप्लाई करना होता है तो ईजिली आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर जो है ना ये 1 स्पून जो है ये पाउडर डाल रही हूँ, और मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। मिक्स हो गया है, अब इसके अंदर एक लास्ट इंग्रेडिएंट भी मैं ऐड कर देती हूँ, 2 और 3 ड्रॉप्स में अब इसके अंदर जो है ग्लिसरीन के ऐड करूँगी। ग्लिसरीन जो है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, हेल्दी रखती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारी स्किन पर ये देती है। तो यहाँ पर मैं 2-3 ड्रॉप्स जो है ग्लिसरीन की इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। सो गाइस, हमारा ये फॉर्मूला जो है ना बनकर तैयार हो गया है। गाइस, अगर आपके पास ग्लिसरीन अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं, वो भी स्किन प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत बेनिफिशियल होता है और स्किन पर ग्लो भी लाता है, स्किन को टाइट करता है। तो गाइस, ये रेमेडी आज की बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है, 1-2 मिनट के लिए मसाज करनी है हल्के हाथ से, और फिर नॉर्मल पानी से अपनी स्किन को वॉश करना है। ठीक है गाइस, जब आप वॉश कर लोगे तो हल्का सा मॉइस्चराइजर अपने फेस पर जरूर अप्लाई कीजिए या सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए ताकि स्किन हमारी ड्राई ना हो। ओके गाइस, अगर वीक में 3 से 4 बार इस रेमेडी को फॉलो करते हो तो आपकी स्किन पर पिंकिश ग्लो भी आएगा, स्किन प्रॉब्लम भी दूर होगी, बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा इसका। ये देखिए कितना बढ़िया कलर है, अगर आप इसको फॉलो करते हो ना सच में आपका चेहरा जो है ना बेबी पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, स्किन पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए
कितना अच्छा कलर है गाइज इसका। अगर आप इसको रूटीन बेस पर अपने फेस पर अप्लाई करोगे ना और मसाज करोगे बिल्कुल हल्के हाथ से, तो आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी होगी और साथ साथ जो है ना पिंकिश ग्लो भी आ जाएगा आपकी स्किन पर। तो आपने इसको हल्का से ड्राई होने देना है, यानी कि हाफ ड्राई जैसी हो जाए स्किन तो वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। सो गाइज आई होप आपको आज का ये फेस मास्क फेस पैक कह लो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके जरूर जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और किस तरह की वीडियोज़ मुझे आपके लिए बनानी चाहिए वो भी मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए। ठीक है गाइज, मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।